हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फोर्स मोटर्स कंपनी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स मोटर्स कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है और इसका कहाँ कहाँ क्या क्या प्लांट है और ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फोर्स मोटर्स किस देश की कंपनी है। तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि फोर्स मोटर्स इंडिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पुणे यानी कि महाराष्ट्र में बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में स्थित है। दोस्तों, अगर बात की जाए इसके फाउंडर के बारे में, तो इस कंपनी का फाउंडेशन इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर श्री एन के फिरोदिया जी ने की थी। दोस्तों, इस कंपनी के आज के ओनर की बात की जाए कि आज इस कंपनी को कौन ओन करता है, तो इसके ओनर का नाम है अभय फिरोदिया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस कंपनी के टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो इस कंपनी में लगभग 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके कि इस कंपनी का इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या योगदान रहा, तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी। तो जो इसके जो ओनर थे, जो फाउंडर मेंबर थे, तो उन्होंने इंडिया में ऑटो रिक्शा की शुरुआत की। जो ये ऑटो रिक्शा शब्द है, इसकी उत्पत्ति इन लोगों के द्वारा ही की गई। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा योगदान इस कंपनी का इंडिया के लिए रहा। दूसरे योगदान के बारे में बात की जाए, तो आपने ये जो गाड़ी है, ये आपने पुरानी पिक्चरों में बहुत ज़्यादा देखी होगी। दोस्तों, इस गाड़ी को जाना जाता था मेटाडोर के नाम से। ये जो गाड़ी है, इसको भी इस कंपनी के ओनर्स के द्वारा शुरू किया गया। ये इंडिया का पहला डिलाइट कमर्शियल व्हीकल था, जो कि एक डीजल वाला कमर्शियल लाइट कमर्शियल व्हीकल था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके पहले फैक्ट्री के बारे में। तो इस कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी, ये गोरेगांव मुंबई में बनाई गई, जहाँ पर ये लोग टेम्पो थ्री व्हीलर का प्रोडक्शन करते थे, जो कि 1958 में बनाई गई। दोस्तों, इस कंपनी को पहले बजाज टेम्पो मोटर्स के नाम से जाना जाता था। अगर बात की जाए इसके नेक्स्ट सफ़र के बारे में, तो 1964 में इस कंपनी ने टेम्पो वाइकिंग 4 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल था। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने 1969 में मेटाडोर डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अगर बात की जाए इस कंपनी के सबसे जो कि यूनिक प्रोडक्ट था, तो वो था इसका टेम्पो ट्रैवलर। दोस्तों, ये जो टेम्पो ट्रैवलर था, ये अभी भी आपको देखने को मिलते होंगे। ये ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही कंफर्टेबल ये गाड़ी रहती है। तो दोस्तों, इसका इस प्रोडक्शन 1987 में पीतमपुरा में स्टार्ट किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए इनके अगले प्रोडक्ट के बारे में, तो 1988 में इन्होंने ट्रैक्स नाम से एक गाड़ी उतारी, जो कि रफ रोड व्हीकल था, और ये गाड़ी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। दोस्तों, 1996 में इन्होंने एक थ्री व्हीलर्स की नई रेंज स्टार्ट की, जिसको मिनी डोर कहा जाता था। ये जो थे ऑटो रिक्शा थे। दोस्तों, बाद में इन्होंने 1997 में ट्रैक्टर्स इंडस्ट्री में भी हाथ डाला, और इन्होंने पहला ट्रैक्टर, जिसको कि बलवान नाम से जाना जाता था, जो कि एक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर था, उसकी शुरुआत की। दोस्तों, अगर बात की जाए इनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में, तो 1999 में इन्होंने एक्सल रेंज के अपने लाइट कमर्शियल व्हीकल स्टार्ट किए, जो कि मॉडर्न लाइट कमर्शियल व्हीकल्स थे। दोस्तों, इन्होंने 2000 में एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जो कि ट्रैक्स रेंज का गाड़ी था। ये गाड़ी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इसको लोग पैसेंजर सेगमेंट के लिए यूज करते थे, तो ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी हुई। दोस्तों, बाद में फोर्स मोटर्स ने 2011 में अपने जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनका भी स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी जो पहली गाड़ी थी फोर्स वन, ये 2011 में लॉन्च की। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो इन्होंने 2013 में एक गुरखा करके गाड़ी निकाली, जो कि ऑफ रोड व्हीकल था, और ये गाड़ी 4x4 गाड़ी था। इस गाड़ी को भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो दोस्तों, फोर्स मोटर्स ने 2013 में गुरखा गाड़ी लॉन्च की। नेक्स्ट, इन्होंने एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी का स्टार्ट किया, जो कि इन्होंने चेन्नई में एक प्लांट स्टार्ट किया, जो कि 2014 में इसका काम स्टार्ट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर ये
BMW जो गाड़ी रहती है, BMW जो कार बनाने वाली कंपनी है, उसके इंजन्स बनाने वाली कंपनी बनाने वाले प्लांट का इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो ये जो चेन्नई है वहाँ पर ये प्लांट लगाया गया जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात की जाए इनके नेक्स्ट प्लांट के बारे में तो 2016 में इन्होंने फिर एक प्लांट स्टार्ट किया जो कि चाकन महाराष्ट्र में इन्होंने एक प्लांट खोला जहाँ पर ये लोग इंजन और एक्सल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्होंने एक फेमस कमर्शियल व्हीकल निकाला जो कि एक पिकअप रेंज की गाड़ी थी जो 2017 में लॉन्च की गई। इस गाड़ी का नाम था कार्गो किंग पिकअप। ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये जो गाड़ी बनी थी ट्रैक्स प्लेटफॉर्म में ही इस गाड़ी को बनाया गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही किसी अन्य कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।